बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल इफ्तखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज भी हमारे साथ वही तीन गेस्ट मौजूद हैं जो कल थे, और आज हम वहीं से अपनी डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे जहां पे कल हमने डिस्कशन को छोड़ा था। लेकिन उससे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक दफा मौजे तंग ने अपने साथियों से पूछा कि आपने बिल्ली को मिर्चें खिलानी है तो मिर्चें किस तरह खिलाएंगे। चुइन लाई ने कहा कि मैं बिल्ली पकड़ूंगा, उसका मुंह खोलूंगा और उसके मुंह के अंदर मिर्चों की वो चम्मच जो है मैं उड़ेल दूंगा। तो माओ ने कहा ये तो मॉस्को का तरीका है, दोबारा वो बिल्ली आपके करीब आना नहीं पसंद करेगी। एक और साथी ने कहा कि मैं अलग तरीका अपनाऊंगा, मैं बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दूंगा, कुछ देर भूखा रखूंगा, जब वो भूख से नढ़ाल हो जाएगी तो जो टुकड़ा है गोश्त का उसके ऊपर मिर्चें डाल के मैं उसके सामने फेंक दूंगा। तो उसने कहा कितनी गलत बात है कि एक मजलूम जानवर को, मासूम जानवर को तुम तकलीफ दोगे। सबने अपने अपने जवाब दिए, जब किसी का जवाब माओ ने एग्री ना किया तो उन्होंने कहा कि माओ साहब आप बताएं कि आप क्या करेंगे। तो माओ ने जवाब दिया कि मैं बिल्ली के ऊपर मिर्चें फेंक दूंगा, बिल्ली की फितरत है कि वो अपने जिस्म को चाटती है, उसके सामने मैं फेंकूंगा, उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा, लेकिन वो फितरत के हाथों जो मैं उससे काम करवाना चाहता हूँ वो काम करे। यहीं से अब मैं पहला सवाल भेजूंगा नईम कुर्बान की तरफ। नईम, कल आपसे हमारी बात नहीं सही हो सकी। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि ट्रेंड लोग नहीं है, या ट्रेंड लोग ना होना तो ये तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा आ जाता है ना, कि जब आप एक चैनल को इशू करते हो, क्या नाम है, लाइसेंस करते हो, एक अखबार को डिक्लेरेशन देते हो, एक रेडियो स्टेशन को आप लाइसेंस देते हो, तो उस वक्त तक गवर्नमेंट को भी तो ऐसा कोई जाब्ता होना चाहिए है कि पाबंद करे उस इदारे को कि वो प्रोफेशनल लोग रखे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आजकल जो हालत जा रही है, सलमान ने कल भी उसका की तरफ इशारा किया था कि प्रोड्यूसर्स जो है वो 40-40 हज़ार में क्योंकि रखे जा रहे हैं, और उन गरीबों से गधे की तरह। हमारा एक प्रोड्यूसर था, एक चैनल में मैं काम कर रहा था, उसको टोटल तनख्वाह 15 हज़ार मिल रही थी और बाहर जो गेट पे खड़ा हुआ गार्ड जो था वो 20 हज़ार ले रहा था। तो मैं उसे अक्सर कहता था कि तूने पढ़ लिख के गवाया, तू गार्ड बन जाता तो कम से कम 20 हज़ार तो ले रहा होता, इससे ज्यादा ले रहा होता। तो गवर्नमेंट का क्या ये कसूर, रियासत का कसूर नहीं है कि वो इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही? एक्चुअली सारी चीज़ें कमर्शलाइज हो चुकी हैं, गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक कसूर है, लेकिन जिस वक्त प्राइवेटाइज चीज़ें हो जाती हैं, कमर्शलाइज हो जाती हैं, उस वक्त गवर्नमेंट फिर किस हद तक वो कर सकता है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि अगर पैमरा एक इदारा है जो इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख रहा है, जो मॉनिटरिंग कर रहा है, इस तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटीज किस काम के होते हैं? रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसी काम के लिए होते हैं। लेकिन फिर बात आ जाती है, अगर कुछ फॉरन की चीज़ें हैं तो फॉरन ऑफिस को उनको ब्रीफ करना चाहिए कि जो फिर इदारों के ऊपर आ जाती है। अगर डिफेंस की चीज़ है तो डिफेंस को उसको ब्रीफ करना चाहिए, फाइनेंस की चीज़ है तो फाइनेंस के जो रिपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंस की मिनिस्ट्री ने ब्रीफ करना है, एफबीआर ने ब्रीफ करना है कि हमारी रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट हम करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे। रेवेन्यू के बारे में किसी को नहीं पता, बहुत सारे एंकर्स रेवेन्यू के हवाले से इकोनॉमी पे तो बात ही नहीं करना चाहते। तो ये बेसिकली डिफेंस, फॉरन और इन चीज़ों का जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है इन चीज़ों को करना। इसी हवाले से आपको मजे की बात बताता हूँ, इस वक्त गवर्नमेंट के भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमने तालिबान के और अफगानिस्तान हुकूमत के हवाले से जो चपकलिश है उसके हवाले से बयान क्या देना है। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं और नेशनल सिक्योरिटी के जो हमारे एडवाइजर हैं मोहित यूसुफ साहब, उसको शामिल किया, ये तीसरा भी है कोई। अब उनको शामिल करने का मकसद ये है कि ताकि एक बयानिया जाए इस हुकूमत का। अभी तक कोई बयानिया नहीं था, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो वजीर दाखिला हैं आज उनका एक अपना बयान आ रहा था, बाकी जो गवर्नमेंट के वजीर दाखिला साहब हैं वो अपना बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं तालिबान सुलझ के आ चुके हैं। ये वो तालिबान ठीक है, वो सुलझ के आ चुके हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरह सुलझ कर आ चुके हैं। वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो ईरान जा रहे हैं, तेहरान जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं, बीजिंग जा रहे हैं, ताशकंद जा रहे हैं, वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। उन्होंने दोहा मुआहिदा कर लिया अमेरिका के साथ, उन्होंने अपने ब्लैक लिस्ट में बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, उन्होंने जेल से बहुत सारे लोगों को निकाल दिए, एक एक नेगोशिएशन ये उन्होंने ये सारा कुछ लिया। बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो है बहुत जगहों पे उन्होंने तो एक सिंगल फायर के बगैर इसको काउंटर कर लिया, और उसके अलावा बॉर्डर्स जितनी भी क्रॉसिंग है, लैंड लॉक कंट्री की तमाम बॉर्डर्स जो है इस वक्त तालिबान के कब्जे में है। जैसे हम क्या समझ सकते हैं कि वो मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वॉर ऑफ नैरेटिव भी चल रही है। वॉर ऑफ नैरेटिव ऐसे है कि जिस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई चीज वो कब्जा करते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। एक महीना पहले, पिछले महीने ताजिक बॉर्डर उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद ईरान और उज़्बेक बॉर्डर के ऊपर भी गए,
सबसे आखिर में पाकिस्तान बॉर्डर पर आए हैं, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान को सिर्फ मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि पाकिस्तान उनकी मुआवनत कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान कहा जा रहा है। बहुत सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या मतलब अपने आप को बहुत लिबरल समझते हैं, वो जी हाँ, वो अब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए तहरीक-ए-तालिबान अफगान का नाम ले रहे हैं, हालांकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अलग है। जो अफगान तालिबान है वो तो उसको तालिबान कहते ही नहीं है, वो तो कहते हैं अपनी जो उनका गवर्नमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इस्लामी इमारत अफगानिस्तान कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझाने की जरूरत है यहाँ पे लोगों को, जो एटलीस्ट चले अगर हमें पता है इस चीज को, हमारी जिम्मेदारी है। ये आप, मैं बिलाल साहब, आप राजत अजीम पेश करता हूँ कि आप इस तरह की ये स्ट्रेटेजिक इसकी वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इस चीज से आगाह कर रहे हैं, तो ये आगाही बहुत जरूरी है मीडिया के हवाले से भी और गवर्नमेंट के हवाले से। अच्छा, अब मैं सलमान आपकी तरफ आऊंगा। यार अभी नईम ने बात की समझाने की जरूरत है, आप भी मीडिया में हो, मैं भी मीडिया, बल्कि हम सारे कॉन्टेंट के बंदे बैठे हैं। जितना बड़ा आउटकास्ट जो है कंटेंट का बंदा होता है, यानी कि हर चैनल में जाओगे हर बॉस कहेगा कि जी कंटेंट पे बड़ा जोर है, लेकिन जब तनख्वाह देने की बात आती है तो 70,000-80,000 रुपए आके ब्रेकें लग जाती हैं, उसे 1 रुपया आगे भी जो है ना चैनल मालिकान के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अजियत होती है। जबकि जिन्होंने 1+1 करना है, 1+2 करना है, उनके लिए लाखों के अंदर बात होती है। तो यहाँ पे कॉन्टेंट की ये औकात होगी कि सबसे निचला तबका के VVIP ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर को मिलनी है, जो कोई भी मजदूर जो है ट्रेन हो सकता है, और जिसने तमाम वो खाना बनाना है और वो उसने उसमें मसाला जार डालने हैं, वो सबसे ज्यादा मजलूम बंदा उस टीम का होगा। तो ऐसे में मेरे भाई, आप क्या कंटेंट दे रहे हो? अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि कॉन्टेंट का बंदा अलग होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? मैं आपके और अपने पेट पे लात नहीं मार रहा मंसूर साहब के, लेकिन हकीकत ये है कि कंटेंट का बंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर है वो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, उसको कंटेंट का पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी अखबार भी सपोर्ट करनी पड़ा, यहाँ पर एंकर्स ऐसे, न्यूज एंकर्स की मैं बात करूँ जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशने करते हैं। अब आज के न्यूज एंकर वो नहीं है जो प्रॉम्प्टर पढ़कर सारी बस उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, आज वो ट्रांसमिशंस भी करते हैं, आज दरमियान में कोई बीपर आता है उन्हें सवाल भी करना पड़ता है, वो बेचारे उनकी शक्ल पर ध्यान होता है न्यूज एग्जीक्यूटिव्स का, उनके मेकअप के ऊपर ध्यान होता है, तकरीबन 1.5 किलो मेकअप होता है, वो रोज सर्फ होता है उनके चेहरों के ऊपर, गाजा मला जाता है, लेकिन कोई उनकी जो जहनी तरबियत है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, उन बेचारों को खुद भी इतनी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, और कभी कभार इस तरह के लोग बड़ी काबिले रहम हालत में पाए जाते हैं। अच्छा, एक तो बात ये हो गई कि जी कंटेंट वाला, तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल के हम सबको कंटेंट का पता होना चाहिए। अगर आप न्यूज मीडिया के अंदर हैं, कम्युनिकेशन के बिजनेस के अंदर हैं, आप कम्युनिकेट क्या करेंगे अगर आपको खुद कुछ नहीं पता, आप पढ़ते नहीं, आपका मुताले का जहन नहीं है, आप फिल्म नहीं देखना पसंद करते, आप डॉक्यूमेंट्री देखना नहीं पसंद करते, आपको मौसीकी से, अच्छी मौसीकी से दिलचस्पी नहीं है, आपको फनून लतीफा से दिलचस्पी नहीं है, आपको अदब से दिलचस्पी नहीं है, आपको ये तमाम मौजूद जिनके हवाले से महमूद साहब ने और नईम कुर्बान साहब ने बात की कि जी आपको दिफाई उमूर पर समझ होनी चाहिए, आपको बैन अल-अक़वामी उमूर पर समझ होनी चाहिए, आपको पॉलिटिकल तारीख पता होनी चाहिए, एंड सबसे बढ़कर नईम साहब ने बड़ा आराम से उसका जिक्र किया, कोई इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं थी, लेकिन मैं तवज्जो एक मरतबा और दिलाना चाहता हूँ इकोनॉमी के ऊपर। देखें इकोनॉमी के ऊपर किसी को कुछ पता नहीं है, ना हमारे एंकर्स को, और पता ही क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, मेरी बहुत सारे एंकर से बात हुई जब मैंने कहा कि जी ये स्टोरी करनी चाहिए पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक इस न्यूज स्टोरी से, इस हवाले से लोगों को इन्फॉर्म करें, तो क्या जवाब आता, जी ये बोरिंग होते, इसके ऊपर रेटिंग नहीं आती, ये इन मामलों के ऊपर कोई समझता नहीं, बहुत टेक्निकल मामला। अब बुनियादी बात यह है कि जिसको इकोनॉमी की समझ है वो उसे बहुत आसान करके भी समझा सकता है, वो बता सकता है कि इसकी क्या अहमियत है। हम टेक्निकल डिटेल्स को डिस्कस ना भी करें तो उसके जो रिपरकशंस होती हैं कुछ डिसीजंस की, उनके हवाले से लोगों को जरूर बता सकते हैं, बहस मुबाहस करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि एंकर्स को खुद पता नहीं होता। यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, एंकर्स हैं, उनकी मतलब जब बात होती है तो मैं हैरान हो जाता हूँ यार उनको क्यों नहीं पता। अब मिसाल के तौर पर जब डॉलर महंगा हुआ पाकिस्तान के अंदर,
तो यहाँ पर बड़े बड़े चौगात्री किस्म के एंकरों ने ये बात करना शुरू कर दी। लेकिन देखें, नवाज शरीफ ने तो डॉलर की कीमत को मेंटेन किया था, इमरान खान की हुकूमत ने आते साथ ही बेड़ा गर्क कर दी। कैसे वो कर रहे थे नवाज शरीफ साहब? मैं किसी सियासी जमात का मुखालिफ या इमरान खान का हामी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, एक एकेडेमिक लेवल की, एक बिल्कुल असूल पसंदी की बात कर रहा हूँ कि डॉलर हमारा इसलिए मुस्तहकम था कि इसहाक डार साहब बाहर से कर्ज लेते थे डॉलरों में और उसे यहाँ के ओपन मार्केट में फेंकते थे, बेचते थे, जिससे डिमांड कम होती थी, डिमांड से ज्यादा सप्लाई होता था, तो उसका एक रेट मुतय्यन होता था। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर सवाल उठाए गए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि जी ये जो जारी खाता जात का खसारा होता है ये क्या होता है। आपके मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट नहीं है और इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये सारे का सारा क्राइसिस क्या है? इमरान खान क्यों सऊदीया के पास गए? इमरान खान क्यों यूएई के पास गए? आईएमएफ के पास बिल आखिर क्यों जाना पड़ा? ये तमाम के तमाम मामलात है जिनका बहुत बड़े बड़े लोगों को पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते। वो भी जानते हैं कि यार लोगों को बस मिसगाइड करो किसी तरह से भी, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात, आपने पहले बात की पैमरा के हवाले से। देखें, पैमरा से काम नहीं होगा। पैमरा क्या यहाँ के इदारों को तनख्वाहें वक्त पर दिलाने में कामयाब हो सकते हैं? नहीं, उनको इंटरेस्ट भी नहीं। पैमरा की अगर आप इस्लामाबाद में जाएं तो बहुत बड़ी इमारत है, बड़ी खूबसूरत लश किस्म की इमारत है, उसके अंदर सैकड़ों, मेरे ख्याल में 1000 से ज्यादा उनके मुलाजमीन होंगे, बड़ी जनाबली उनके जबरदस्त किस्म के ऑफिस हैं, तनख्वाहें शनख्वाहें भी लगी हुई हैं, मौजें हैं। काम उनसे पूछे क्या है जी? काम उनका यह है भाईजान कि एक लाइसेंस बंदा लेने आया है, 10-12 लाख रुपए उसकी फीस है, लेकिन उससे कितने करोड़ रुपए, कितना उसे दबा के उसकी फाइल को रखना है कि वो चंद करोड़ रुपए उनकी जेबों में डाल के चला जाए, ये आजकल चल रहा है सर। ये इल्जाम नहीं, मेरे रिसेंटली अभी सेवन न्यूज ने रिसेंटली एक लिया है नया लाइसेंस, वो करोड़ों में उसे पड़ा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले हुकूमत को अपने लोगों को खुद ट्रेन करना चाहिए। यहाँ से अगर आप नईम साहब जानते हैं, मंसूर साहब जानते हैं, आप जानते हैं, अगर हम एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो और हमने किसी मौजू के ऊपर गवर्नमेंट का कोई बंदा लेना हो, कितनी मुश्किलात पेश आती है हमारे कोऑर्डिनेटर्स को और हमारे प्रोड्यूसर्स को बंदा लेने के लिए। वो जब MQM अपने बामे अरूज पर थी तो वहां पर सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर को फोन करना पड़ता था, वो अपना गेस्ट लाते थे और वो कोई शो खाली नहीं जाने देते थे, वो आपको गेस्ट देते थे। यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि भाई हर रोज रात को 8 बजे और 10 बजे की स्लॉट्स के अंदर इतने प्रोग्राम्स होने, हमने किन किन लोगों को कहाँ कहाँ पर भेजना है, और वो बकायदा मरकजी किसी मैकेनिज्म के तहत वहां पर जाए और उनको पूरा ब्रीफ किया हो उस टॉपिक के ऊपर, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, देखें, हमें कंटेंट चाहिए, हम मीडिया के लोग हैं, हम दिखाना चाहते हैं, कंटेंट दिखाना चाहते हैं। जब आपके मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं हुकूमत के या मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं होता, अखबार भी नहीं पढ़ते, कॉलम्स भी नहीं पढ़ते, अपनी पार्टियों के अंदर या अपनी हुकूमत के अंदर मौजूद उस मौजू के ऊपर जो एक्सपर्ट है वो उन्हें टाइम नहीं देते, उन्हें समझाने की जहमत नहीं गवारा करते। तो हमारे यहाँ लोगों के जहनों के अंदर इन कानों के जरिए क्या पहुंच रहा है, हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को? दूसरी बात, आखिरी बात मैं सिर्फ बिलाल साहब करना चाहूंगा, आपने बात की जी अफगानिस्तान के हवाले से, नईम साहब ने बात की कि जी हमारी हुकूमत के पास नैरेटिव ही कोई नहीं है देने का। देखें, मैं शायद जनरल जियाउल हक साहब के से बहुत सारी चीजों पर इख्तलाफ करता हूँ, भुट्टो साहब की बहुत सारी चीजों से इख्तलाफ करता हूँ। भुट्टो साहब के दौर में हमारा एक नैरेटिव था कि हम सोशलिज्म के करीब थे, जिया साहब के दौर के अंदर हमें पता था कि ये हम प्रो वेस्ट हैं या हम सरमायदाराना निजाम की हिमायत करते हैं, हमारा एक नजरिया था। 90s के दौर में हमारा कोई नजरिया नहीं था, उस दौर की सियासत को देख लें, उस दौर के अंदर जो खल्फशार पैदा उसे देख लें। मुशर्रफ साहब आए, अच्छे थे, बुरे थे, बहस से कतई नजर, आप ये कहेंगे कि जी उन्होंने एक आपको नैरेटिव दिया एनलाइटन मॉडरेशन का, बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तलाफ होगा लेकिन एक बेहतर रेट होगा। वो चले गए और उसके बाद से लेकर आज तक हमारा नजरिया क्या है? क्या हम लिबरल हैं? क्या हम प्लूरलिस्ट हैं? क्या हम कंजर्वेटिव, हम क्या हैं? डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है मंसूर, डायरेक्शन के बगैर है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इस्लामी जमहूरियाँ हैं लेकिन इस्लाम के ऊपर कई दफ़ा हम बड़े वो अपोलोजेटिक भी हो जाते हैं अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, और इतने अपोलोजेटिक हो जाते हैं कि वो आपका साथ वाले हमसाया जो है वहाँ पे कोई गैर हिंदू नज़र आ जाए तो मार मार के हड्डियाँ तोड़ देते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई पुलिस की निगरानी के अंदर कोई ना कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई दलित जो है वो मारा जा रहा होता है, वो अपोलोजेटिक नहीं है। और आप
मदरसों को देखा जाए आप उस पर अपोलोजेटिक हो जाते हैं, लेकिन जब वही वाकयात चर्चेज में हो रहे हो तो आपको कोई क्रिश्चियन ऐसा जो है अपोलोजेटिक नजर नहीं आएगा। आपको पता है रोमन कैथोलिक का कितना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था अमेरिका के अंदर, और अभी वो कुछ कब्रें भी दरियाफ्त हुई हैं वहां पे कनाडा के अंदर, वहां पे कनाडा क्या वजह है कि मैं एज अ पाकिस्तानी, हम एज अ कौम अपने आप के साथ खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और सारे के सारे ऐसे लग रहा है कि ये एक सराय है जहाँ पे जब तक काम है हम रह रहे हैं। एक हमारे बहुत अजीज जानने वाले हैं, बड़े मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत हुबुल वतनी की बात करते हैं, लेकिन जब मौका मिला तो वो सबसे पहले बाहर जाने की बात सोच रहे हैं। तो क्या बात है यार, नेशन कब बनेंगे हम, कब हमें इस चीज की समझ आएगी कि खाम है जब तक तो है मट्टी का एक अंबार, तू पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजनहा तू, कब इस कौम ने शमशीर बनना है। क्रेटा बिलासा मोइनी वतन लोगों से भरा पड़ा है। साहब, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना आपकी जो एक फॉर्म बनने में, वो आपका होता है करिकुलम। हमारा करिकुलम भी कोई नहीं है हमारा। आप देखिए स्कूल लेवल पे हम जो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं, वही जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि कई चीजें ऐसी हमें पढ़ाई गई जो शायद उस वहां जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कुछ चीजें ऐसी हमें पढ़ाई गई हैं जो शायद वाकई गलत पढ़ाई गई हैं, और जहाँ पे आके बिल्कुल ही डिफरेंट नैरेटिव हमें दिया जाता है कि कायदे आजम लिबरल थे या जो वो कैबिनेट मिशन प्लान मान गए थे, ठीक है उसके बाद वो राजी हो गए थे, मतलब इस तरह की बातें बताई जाती। तो हमारा तो करिकुलम ही कोई नहीं। जब एक बच्चे को आप शुरू से कंफ्यूज कर देंगे, फिर एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, बीकन हाउस में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा एक मदरसे में पढ़ रहा है, और तीसरा बच्चा एक आम प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक ही आइडिया पे। तो मेरा जहाँ ख्याल है कि उसके लिए तो हमें अपने करिकुलम पे काम करना पड़ेगा। अभी जो सिंगल नेशनल करिकुलम की अभी बात चल रही है, मैं इसे बिल्कुल इतफाक करता हूँ। कम से कम स्कूल लेवल पे सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए। यहाँ पे तो आप फिर वही मीडिया की प्रायोरिटीज आ जाती हैं कि वो मलाला यूसुफजई की एक तस्वीर से मुतालिक इशू हमारा हमारे मीडिया का सबसे बड़ा इशू बन गया। वो तो किसी ने जहमत ही नहीं की ये सोचने की कि भाई उस किताब को, वो किताब पंजाब टेक्स्ट बुक से मुतालिक नहीं थी, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया किया था और बगैर एनओसी के शाया किया गया था। वो मलाला यूसुफजई की तस्वीर से मुतालिक इशू था ही नहीं, वो एनओसी वाला इशू था। अगर उस किताब को एनओसी होता तो उस किताब पे कोई एतराज नहीं होता, लेकिन उसको मीडिया पे एक ऐसा इशू बना दिया गया जैसे कि कोई मलाला यूसुफजई को हीरो माने से इंकारी है, या हमारे जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं हम उनका इंकार करते हैं। मतलब हमारा ये हाल है कि हम अपने थीसिस का एंटी थीसिस खुद ही कर देते हैं। इसकी कई मिसालें हैं। एक बड़ी मिसाल तो हम देते हैं, अक्सर हम जिक्र करते हैं कि अजमल कसाब का जब वाक्य हुआ था तो हमारे ये रिपोर्टर ने साबित कर दिया था कि वो अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है। आप ही दो तीन दिन पहले की अभी एक आप मिसाल लें कि अभी एक खबर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बड़े जो अंग्रेजी अखबार है उसमें शाया हुई है कि उनमें वेस्टर्न डिप्लोमेट्स का हवाला दिया गया कि वो तो कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं है, और इमरान खान ने किस बेस पे कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अब आप ये देखिए उस खबर का कॉन्टेक्स्ट देखें और फिर आप वो इंटरव्यू देखें जो, हालांकि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा नाकिद हूँ ये आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर इमरान खान का इंटरव्यू आप देखें तो उसमें वो जो एंकर है वो सवाल क्या कर रहा है, वो वर्ड यूज कर रहा है इफ, यानी अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगता है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं इसका जवाब क्या देंगे। इसका जवाब या तो यस बनता है या नो बनता है। तो उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली नो, या तो उन्होंने कोई दावा किया होगा कि यार हमसे अड्डे मांगे हैं अमेरिका ने और हम अड्डे देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो फिर आप ये, लेकिन वो लीड स्टोरी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे नहीं। और ये हमारा एक मतलब मीडिया का रवैया बन गया है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है ना उसमें कई मामला में आपका फर्ज होता है, भूमि फर्ज, कि उनको गलत साबित करें, उनको गद्दार साबित करें, उनको कश्मीर फरोश साबित कर दें, उनको वतन फरोश साबित कर दें। मेरा ख्याल है कि इस मामले में भी हमें रवैया तब्दील करने की जरूरत है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट्स होती है कम से कम नेशनल इशू पे हम सबको उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मीडिया स्ट्रक्चर है ना उसका बहुत बड़ा बहुत सारे फ्लॉज हैं उसमें। उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि एडिटर का शोभा ही खत्म कर दिया गया। एडिटर का शोभा पहले अखबार से खत्म हुआ, फिर न्यूज प्रोड्यूसर जो है उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ चलानी है क्या चीज़ नहीं चलानी। कई चीजें ऐसी चल जाती हैं जो मिसाल के तौर पर कई चीज, अभी आपने खुद बताया था कि हमने थोड़ी देर पहले हवाला दिया था कि अभी वो जो करम का जो वाकया हुआ था उसमें बताया गया कि 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, हालांकि वहां पे सिर्फ 2 शहीद हुए थे, और वही नैरेटिव जो था पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पे फैल गया था। दूसरा जो ड्रॉबैक है कि हम जो भी नैरेटिव बनाते हैं वो इंटरनेशनली या तो पहुंच नहीं पाता या उसे कबूल नहीं किया जाता। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंग्लिश चैनल्स भी नहीं है। इंग्लिश अखबार तो क्या होने हैं लेकिन इंग्लिश चैनल्स ही नहीं है। अभी इंडस न्यूज बना है, बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है और आप सब आप तो भी इसमें काम कर चुके हैं, लेकिन उसकी भी रीच उस तरीके से नहीं है कि आप अपना नैरेटिव दे सकें जिस तरह इंडियन मीडिया की है। मिसाल के तौर पर अभी आप ये देख लें कि हाल ही में वहां पे एक स्कैंडल आया था जिसमें अर्णब गोस्वामी की
बहुत सारी चैट पकड़ी गई थी जिसमें वो रेटिंग्स के हवाले से बात कर रहा था, वो लीक्स पकड़ी गई थी यहाँ पे। तो एक अगर फर्ज करें इस तरह का स्कैंडल भी पाकिस्तान में आया होगा तो इंडियन मीडिया ने उसको किस तरीके से उछालना था, लेकिन यहाँ पे वो एक दो दिन उस पर डिस्कशन हुई और फिर बात ही खत्म हो गई और अगले दिन इंडियंस जो थे उसी तरह अपने काम पे लग गए। दूसरी मिसाल ईयू डिसिप्लिन लैब की है। ईयू डिसिप्लिन लैब जो थी वो 15 साल उन्होंने वो जो इंडियन क्रॉनिकल्स वाला इशू था, तो 15 साल तक पाकिस्तान के बारे में फेक न्यूज छापते रहे और उनकी जो पब्लिकेशन थी वो बकायदा यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में भी पहुंचाई जाती थी। और फिर हमें तो उस पर भी ख्याल नहीं आया, वो भी खुद ईयू डिसिप्लिन लैब ने एक तहकीक की और हमें बताया गया कि अरे 15 साल से आपके बारे में ज्यादा खबरें हो रही है। फिर हमें उसका ख्याल आया कि यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो मेरा यहाँ तो ख्याल है, एक तो हमें अपने करिकुलम पे काम करना पड़ेगा अगर हम एक कौम बनना चाहते हैं, दूसरा हमें अपनी कंफ्यूजन को दूर करना होगा, और तीसरा जो है मेरा ख्याल है कि मीडिया के स्ट्रक्चर को भी जो है वो रिफॉर्म करने की जरूरत है। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो बात हुई ना कि ट्रेनिंग नहीं है, मुझे याद है कि जब मैं 2013 की बात है, मैं पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर के पास इंटरव्यू देने गया था, 2014 की शायद बात है, तो मैंने बाद में उन्हें ज्वाइन भी किया था, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, मैंने कहा मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स की है, तो वो कहते हैं इसका मीडिया से क्या ताल्लुक है, आपको तो मैस कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो अब वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर हैं, उनका नाम नहीं लेता, आप जानते होंगे। उन्होंने फिर मुझे कुछ ऐसे बात कहा कि यार तुमने IR में मास्टर किया, मैंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे ना एक आर्टिकल लिखना है, तो मुझे समझा दो ये चीज़ होती क्या है। फिर मैंने उन्हें 1 घंटे की पूरी ब्रीफिंग दी कि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है क्या, और फिर उसमें उन्होंने कहा यार ये जो छोटे छोटे एटम बम होते हैं इसका क्या मकसद होता है। मैंने कहा इसका मकसद, ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और इसका मकसद हमने जो ये बनाए थे एक छोटे लेवल पे इतनी तबाही करते हैं कि आपके मुल्क को नुकसान ना हो लेकिन दुश्मन को नुकसान हो, मतलब ये हमारे एंकर्स का लेवल। इसी तरह अभी मईशत की बात हुई, तो ये जो हमारे जो एंकर जो स्क्रीन पे बैठे हैं उन्हें बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता, जब ये लेवल हो कि आप कहें कि IR का ताल्लुक किया है मीडिया से, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, तीनों के साथ क्विक मुझे इसका चाहिए होगा। हालात जैसे भी हैं लेकिन ये हकीकत है कि जब क्राइसिस के अंदर मुल्क आया तो कौम मुट्ठी बन गई। अब क्या वो तरीके हैं कि देखो हम अब एक उस फेज के अंदर आ चुके हैं, हम में से अक्सर जो है साहिब औलाद भी हैं, चलो हमने जो देखा वो देख लिया, लेकिन ये एज अ वालदैन ये हमारा फर्ज है कि एक मजबूत बेहतर पाकिस्तान अपने बच्चों के लिए हम देखे जाएं और उसके लिए हम कोशिश करें ताकि जब हमारे बच्चे बड़े हों तो एक अच्छी चीज देखी जाई जा सके। तो आप क्या समझते हो कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इंफॉर्मेशन से हम शुरू हुए थे, मीडिया से होते हुए करिकुलम तक हम आए, और उसके बाद जो इस वक्त जो एक हाइब्रिड वॉर को जिसने फेस करना है, एक बड़ा जिसका रोल है मीडिया से होते हुए, इन तमाम चीजों से निकालने में जिसमें हमारा इस वक्त कौम फंसी हुई है, आपके ख्याल में आप क्या रिकमेंड करोगे, क्या चीजें अपनाई जाए जिससे हम इन क्राइसिस से जिनके अंदर मॉरल क्राइसिस भी है, प्रोफेशनल क्राइसिस भी है और वगैरह वगैरह सोशल क्राइसिस भी है, हम इनसे निकल सकते हैं? और यही सवाल आप दोनों के लिए भी है। अच्छा, इसमें हर इंसान को अपना अपना किरदार, अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी पोजीशन पे, जहाँ पे भी हैं आप एज ए वालिद हैं, आप एज ए भाई हैं, खावंद हैं, आप किसी जगह पे आप एम्प्लॉई हैं, प्रोड्यूसर हैं तो आपके नीचे शायद इंटर्न आता होगा कोई, अगर आप सीनियर प्रोड्यूसर हैं तो नीचे प्रोड्यूसर आता होगा, जिस जगह पे भी हैं आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप उसको एडवाइस करें, टीच करें, कुछ वाइज बात बता दें उसको, शायद उस चीज़ को उसको इल्म नहीं हो किसी चीज़ का लेकिन आप उसको थोड़ा सा समझा दें। अच्छा, उसके बाद हम आला तालीम हासिल करते हैं, MPhil PhD मास्टर वगैरह करके हम लोग शहरों में नौकरियां ढूंढते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बस नौकरी मिल जाए, शहर में हम शिफ्ट हो जाएं, अच्छी नौकरी मिल जाए, बस हम वहीं रहें। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे, शायद हमें शहरी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने पीछे जो हम गली मोहल्ले के गाँव के हमारे लोग हैं उनको भी तो हम कुछ उनका भी हक बनता है कि वो भी किसी चीज़ से इस्तफाजा हासिल कर सकें, हमें चाहिए कि हम उनको भी इस हवाले से बताएं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो मेरे गांव का जो फेसबुक पे जो दोस्त ऐड हैं उनको इस IR के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, या सोशल इशूज अगर मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा होता हूँ तो वो उस हवाले से मैं उनको आसान अल्फाज में उसके क्लिप्स के साथ में उनको बता दूँ, ताकि इसमें अगर वो शहर में नहीं रह रहे उन चीज़ों को उनका पता नहीं है लेकिन आसान अल्फाज में उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा, इसी हवाले से अब मंसूर बात कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ खड़ा तो होना चाहिए लेकिन हमें गवर्नमेंट को एडवाइस भी करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी अब तक हमने देखा है गवर्नमेंट में बेशक पिछली दो अदवार हों या ये वाला दौर हो, अब तक ऐसे लोग नहीं आए जिनको चीज़ें पता होती है, खड़ा होना चाहिए लेकिन
खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनको आपको एडवाइस करना चाहिए क्योंकि वहां सिर्फ तीन चार लोग हैं, तीन चार आपको लोग मिलेंगे जो कुछ चीज समझते होंगे। आपको ज्यादातर लोगों को आपको समझाना पड़ेगा। हम यहाँ मीडिया में अगर बैठे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम उनको समझाएं। हमें अपने एंकर को भी समझाना चाहिए कि ये चीज करने की जरूरत है। एंकर को नहीं आप समझा सकते, उस पे एम्फसाइज करना, क्योंकि वो मेरी एक मेरा थीसिस है, 15 साल का तजुर्बा है। मेरा वो अगले पुल होते हैं। मेरा 15 साल का तजुर्बा है कि जब इंसान से बंदा एंकर बनता है ना, तो फिर वो एक अजीब गरीब किस्म की हवाई मखलूक बन जाता है। इसलिए छोड़ो उनसे यार, बड़े बड़े एंकर के साथ काम किया, उनका कभी तकबर, उनकी आंखें बादलों से नीचे देखे ना तो उन्हें पता चले कि रियलिटीज क्या है। आप सही कह रहे हैं। मैंने पिछले एंकर इसी तरह थे, लेकिन जो अभी मेरी मौजूदा एंकर उनको एटलीस्ट मैं चीज जो समझाता हूँ, जो आसान रूप में उनको ब्रीफ कर देता हूँ, वो उस पे कर भी देती हैं। वो एक्सेप्शन है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊँ, कश्मीर का नक्शा मौजूदा सब एंकर अच्छे हैं। नहीं, आप देखिएगा मेरे शोज देखिएगा। अच्छा सर, कश्मीर के नक्शे के हवाले से मैं बता दूं, कश्मीर का नक्शा जैसे हम क्लास में होते थे, मुझे याद है स्कूल कॉलेजेस में, तो मैं मैप देखता रहता था और मैं दोस्तों के साथ मुकाबला करता था कि आप बताओ नक्शे में फलां शहर किस जगह पे है। और हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है ना, हम वो ढूंढता था, 5 मिनट है आपके पास भी, आप 5 मिनट में आप देख के बताओ कि फलां शहर किस जगह पे है। तो वो हम मैप को पूरा इस तरीके से हम याद कर लेते थे। अब कश्मीर का नक्शा ही नहीं होता, कई एडिटर्स को मैंने देखा है और मैं बड़ी सख्ती करता था इस चीज के ऊपर। जो नक्शे मैं डाउनलोड करता हूँ उसके अंदर अगर नक्शा नहीं है कश्मीर का शामिल, तो मैं उसको खुद से मार्क करके उसमें कलर भर के कश्मीर को ऐड करके फिर अपने एडिटर को देता हूँ कि आपने ये चीज जो है ना लगानी है उसके ऊपर, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर ये करनी है चीज। इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। अच्छा, इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं एक जो तालिबान ने खबर आई कि तालिबान ने कंधार के जो भारतीय कौंसल खाना है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। किसी ने वेरीफाई नहीं किया इस चीज को कि वो वीडियोस ऑथेंटिक है नहीं है, कि वाकई वो तालिबान ने उसके ऊपर कब्जा किया है। लेकिन एक वो बस चल पड़ी सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने देखा वो वीडियो देखी, लेकिन वो एक पोस्ट की वीडियो थी जो आउटपोस्ट थी किसी पुलिस की या किसी आर्मी की आउटपोस्ट थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे एक चल पड़ी इसी एक बड़े चैनल ने, जीम वाले चैनल ने जो है उसको चला भी दिया, जर्मनी भी चला दिया, उसको अखबार में भी चला दिया। सलमान आपकी तरफ इस चीज को वेरीफाई करने की जरूरत है। टाइम थोड़ा रह गया है सलमान, आपके क्या आप क्या कहोगे जो वही सवाल जो सर, एक एक लास्ट चीज सर। जी जी जी, लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मंसूर ने भी इस हवाले से जिक्र किया कि जब अड्डों के हवाले से बात की गई तो कहा गया कि जनाब वो अड्डे तो किसी ने देने के लिए किसी ने मांगे ही नहीं है। लेकिन इस चीज की शुरुआत कहां से हुई, एक तो खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट जब उनसे सवाल किया गया, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी थी कि CIA स्क्रैम्बल फॉर न्यू अफगान अप्रोच, वहां से ये चीज लीक आउट हुई थी। उसके बाद अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया था कि पाकिस्तान ने तो अड्डे दे दिए, पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए, तो ये चीज वहां से स्टार्ट हुई थी। और फिर देख लिए अब उनका नैरेटिव, वो अपने ही थीसिस को एंटी थीसिस करने शुरू हो जाते हैं। मुनाफिकत, इस मुल्क को मुनाफिकत ने बड़ा डैमेज किया है। सलमान आप क्या कहते हो? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मौजूदा एंकर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखें बिलाल साहब, हम मीडिया के हवाले से बात करें, हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए, पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी सोचना चाहिए। अगर आप तवक्को करते हैं कि जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारी अपनी जानें कुर्बान करते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, उनको तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं, इसी तरह जो ये इस वर्चुअल वॉरफेयर में पाकिस्तान के सिपाही हैं जो बड़े मोहब्बत से और इस जमीन से इश्क होने की वजह से इस जंग के अंदर पाकिस्तान के सिपाही बन के लड़े हैं, तो उनके लिए भी उनका भी ख्याल रखें। एक बात ये कि मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं वो जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के सहाफियों की भी बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के सहाफती इदारों में काम कर रहे हैं, उनका ख्याल करें दो तरह से। एक तो ये कि सहाफती इदारों को उनके साथ ज्यादती करने से रोकें, दूसरा ये है कि उनकी तरबियत करें एक वेल इक्विप्ड, और देखें इसके अंदर ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। ये एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है जिसके अंदर नैरेटिव्स की वॉर है, जिसके अंदर
आप जैसे आपने अभी पहले फरमाया कि जी इस्लाम के हवाले से हम अपोलोजेटिक होते हैं, इस्लाम के हवाले से हम इसलिए अपोलोजेटिक होते हैं कि जी हमारे यहाँ एक बात तो यह है कि जी हमें इस्लाम का खुद इतना ज्यादा पता नहीं होता, तो जब कोई गैर मुल्की या कोई हमारे दुश्मन जो है वो हम पर कोई एतराज निकाल कर आते हैं तो तब हम स्क्रैम्बल करते हैं और हम जाके देखते हैं, और हमें से बहुत सारे वो भी नहीं देखते, हम बस डायरेक्ट ही गालियां देते हैं जवाब में। हमें खुद थोड़ा सा ना क्यूरोसिटी अपने बारे में, अपने दीन के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपनी तारीख के बारे में रखने की जरूरत है, और इसके लिए हुकूमत का किरदार बहुत ज्यादा अहम है। आप चंद एक, जैसे नईम साहब ने फरमाया एनडीयू के अंदर एक वर्कशॉप होती है, आप चंद एक बड़े बड़े एंकर्स को लेकर जाते हैं वहां पर, और उन एंकर्स को यकीन माने कोई दिलचस्पी नहीं है वहां पर पढ़ने की, वो उस उम्र से गुजर चुके हैं जब वो कुछ सीख सकते हैं। तो बाकी जैसा आपने फरमाया कि इंसानियत के दर्जे से उतर कर जब इंसान एंकर बनता है तो उसके जाहिर है जो एटीट्यूड होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, वो अकल कुल बन चुका होता है, और सीखने के लिए एक बिगिनर्स माइंड चाहिए होता है मेरा ख्याल में, एक ट्रेनिंग। और दूसरी बात यह है कि इंटेंशनली एज अ स्टेट पॉलिसी सहाफियों को दबाना बंद करें, इसलिए कि वो आपकी हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, मेरा जाती तौर पर ख्याल है ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही मंसूर, टाइम आपके पास 1.5 मिनट है। मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने माशरे की जो असल बीमारी है ना वो देखना चाहें तो मेरा ख्याल है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ब्यूटीफुल, आप देखेंगे आपने अपने इसमें इंडियंस की मिसाल दी कि वो अपने मामले में बड़े क्लियर हैं। आप देखिए आरएसएस की वो जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको उनकी माइंड साजी करते हैं, फिर उसके बाद वो जाके बड़े लेवल पे जाके वो आरएसएस या बीजेपी में ज्वाइन करते हैं। आप इसी तरह कई मिसालें आपको मिल जाएंगी। मेरा ऐसा ख्याल है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करना होगा। अभी तक मैं जो अपनी आइडेंटिटी समझता हूँ वो तीन या चार आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, दूसरे नंबर पर मैं पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद जो है फिर मेरी कोई एथनिक कास्ट या कोई और चीज़ आती है। ये हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे किसी मामले में आइडियोलॉजिकली मुत्तफिक नहीं है या उसका कोई और व्यू है तो फौरन फतवेबाजी के बजाय थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें मुखालिफ व्यू को भी मॉडरेट करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि हमें एक कौम बनने में मदद मिलेगी। हमें दलाइल से कायल करने की जो है वो थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए। और दूसरी बात जो सलमान साहब ने की है वो हमें थोड़ा सा ना जो दीन समझने वाली बात है वो बड़ी कमाल की है। डॉक्टर इसरार अहमद मनू साहब कहा करते थे कि मौलवी जो है वो कोई शोभा नहीं है, ये शोभा हमने खुद क्रिएट कर दी। कम से कम अपने हमें अपना निकाह तमाशा पढ़ाना तो आना चाहिए। तो मेरा मतलब ख्याल है कि ये दो तीन चीजें हैं कि अगर हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला सॉल्व हो जाए तो हमें कौन जरूर बन जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बड़ी जबरदस्त डिबेट रही और दोनों सेशंस जो थे हमारे जबरदस्त रहे। मैं आखिर में एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन तमाम प्रॉब्लम से हम लोग निकल सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या हर मैदान के अंदर हम अपने दुश्मनों को बहुत आसानी से चेकमेट कर सकते हैं अगर हम अपनी बुनियादों पे वापस आ जाएं। जिन लोगों की बुनियाद नहीं होती हल्की सी भी हवा उनको गिरा देती है। हमारी बुनियाद जब पाकिस्तान बना था तो नारा तो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी हमें अपनी बुनियाद अपनी बेस पे आने की जरूरत है। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और ये बात याद रखें कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक मजबूत बाजू है। ये पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी रियासत है। इस हवाले से हम खुदा को बहुत सी चीज़ों के जवाब दें जिन जो उसने हम पे अनायात किए हैं। इस मुल्क के अंदर पहाड़ भी हैं, सब्जा भी है, सहरा भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो फोकस नहीं है। हमें अपनी बुनियादों पर आना है। हमें हमारी रियासत का ये फर्ज बनता है कि हमें डायरेक्शन दे, और वो डायरेक्शन रियासत को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे फाउंडिंग फादर्स दे चुके हैं। अगर हम इस पे चलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे इस बात की गारंटी देता हूँ कि कोई मुसीबत मुसीबत नहीं, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं। बेशक वो वक्त दूर नहीं है कि जब अक्वामे आलम जो है उनको पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, लेकिन हमें जागना पड़ेगा जो हम जागना नहीं चाह रहे। ये सलमान कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ बिलाल साहब, मैं एक बात जो हम इग्नोर कर गए हैं, बेसिकली यूट्यूबर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे सहाफी यूट्यूब के ऊपर हैं, वो बेसिकली टाइम खत्म हो गया तकरीबन। चलिए प्लीज इसके ऊपर हम एक और सेशन रखते हैं, अगर आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर, मैं कहूंगा कि फिर हम इसमें ट्विटर फेसबुक बाकी स्नैपचैट वगैरह वगैरह जितने हैं टिकटॉक वगैरह उसके ऊपर जो है हम कल बात करेंगे।
अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को, सलमान लाली को, मंसूर खान को और नईम कुर्बान को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।